अपने क्लासरूम में बैठे किसी गरीब स्टूडेंट का कभी मजाक मत उड़ाना। क्या पता भविष्य में इतिहास रचने वाला अब्दुल कलाम बैठा हो। और स्टूडेंट ही क्यों, किसी भी व्यक्ति की वर्तमान स्थिति को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाना, क्योंकि कल में इतनी शक्ति है कि वह एक मामूली कोयले के टुकड़े को भी हीरे में तब्दील कर सकता है। जिंदगी चाहे एक दिन की हो या चार दिन की, उसे ऐसे जियो जैसे तुम्हें जिंदगी नहीं जिंदगी को तुम मिले हो। अवसर तो सभी व्यक्तियों की जिंदगी में आते हैं, लेकिन सफल वही होते हैं जो उनका लाभ उठाते हैं। अगर आपको सफलता पाने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है तो हिम्मत ना हारें, क्योंकि बड़ी सफलता देने से पहले भगवान हमें उस सफलता को पाने के लायक बनाता है। और बिना संघर्ष किए हम सफलता को संभालने लायक नहीं बन सकते। आप अमीर उस समय नहीं बनते जब आप अपने लिए काम करते हैं या किसी और के लिए। अमीर तो आप तब बनते हैं जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके लिए काम करें। सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो सफलता के बारे में सोचकर मेहनत करते हैं। हमेशा असफलता के बारे में सोचने वाले लोग कभी सफल नहीं हो पाते। मेहनत करने वालों को सफलता किसी भी हालत में मिलती है। किसी को जल्दी मिलती है तो किसी को वक्त लगता है, लेकिन इसे पाने के लिए लास्ट तक डटे रहना पड़ता है। बेचारे वो लोग नहीं हैं जो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। दया तो उन लोगों पर आती है जिनका कोई लक्ष्य ही नहीं होता और जिंदगी भर दौड़ते रहते हैं भीड़ का हिस्सा बनकर। हो सकता है अगले ही क्षण आपको सफलता मिलने वाली हो, इसलिए सफलता के बीच खड़ी दीवार पर अपनी कोशिशों का हथौड़ा तब तक मारते रहो जब तक दीवार टूट नहीं जाती। अगर लगने लगे कि लक्ष्य हासिल नहीं हो पाएगा तो अपने लक्ष्य को नहीं अपने प्रयासों को बदल लेना। इंसान को बोलना सीखने में 3 साल लगते हैं, लेकिन क्या बोलना है ये सीखने में पूरी जिंदगी लग जाती है। जो लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं वो कामयाब कहलाते हैं, और जो दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं वो नाकामयाब कहलाते हैं। अब सोचना आपको है कि आपको दुनिया के डर से अपने फैसले बदलने हैं या अपने फैसले से दुनिया बदलनी है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय हिंद, वंदे मातरम।